मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है, यहाँ मैं आपको दिखाने आ रही थी कि देखो देखो कितने बादल आ गए। मैं कपड़े लगा रही हूँ तो उतने में धूप आ गई। धूप को ना डर लगता है ना मेरा, मैंने बहुत बार आपको बताया है वो तो। और कपड़े और टॉवल्स धोने थे वो मैंने धोए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पानी चालू कर दिया है। देखो मैं ऐसे ईंटें लगा के रखती हूँ और आमिन को ऑलवेज हमारे साथ आना होता है इसलिए वो चिल्लाता है। तो जूते क्यों नहीं पहनता है? अच्छा तुझे गुड मॉर्निंग बोलना है, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल, दूसरा सब रहने दे, नहीं बोलेगा। तो मैं मेरा कपड़े सुखाने का काम खत्म कर देती हूँ और फिर मिलते हैं हम, और दूसरा क्या करते हैं देखते हैं। वाओ, पूरे पूरे फूल खिलने लगे हैं, अब तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है गुलदस्ता। वैसे भी ये तो प्यारा ही गुलदस्ता था और भी प्यारा रखने वाला है इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूलों की वजह से। आमिन को करना था वॉक इसलिए मैं भी उसके साथ चली आई हूँ वॉक करने के लिए। और ये पता नहीं क्या मैंने कैप ले लिया है जो हवा में उड़ रहा है। देखो ये ऐसा कैप है जो हवा में उड़ रहा है, ये केच ने आमिन को दिया था ये कैप। बट बड़ा था। अभी मेरा जो भी कैप है वो पीछे के साइड था और मुझे तुरंत उसके खिलौने में से फिर जो मुझे हाथ में आया वो मैंने लेके चल पड़ी हूँ। कोई बात नहीं, चलो ना, अभी मुझे तो जो काम है धूप से प्रोटेक्शन वो मिल रहा है ना बहुत है। हाँ, छांव वाला कोई पौधा आता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और फ्लावर्स तो बढ़िया बढ़िया है ही सब जगह पर। आई मीन तो थो चल उभो थी था। गुड बॉय, देखो। पता नहीं उसे क्या हो जाता है और पल में फिर हंसने से रोने रोने में से हंसना हो जाता है उसका। सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे अपने पौधे क्राफ्टिंग किए है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ जो मैं अभी देख रही हूँ।
आने लगे हैं इस साल तो। एप्पल भी लगेगा शायद, फ्लावर आए हैं तो। ये पता नहीं अनार कब आएगा, मुझे अनार की बहुत ही, क्योंकि उसके जो एकदम रेड रेड कलर के फ्लावर होते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये पता नहीं कब आएगा। तो अभी हम लोग वॉक कर आ गए हैं घर पर, और अभी थोड़ा धूप में से हम लोग जाएंगे छांव में, और थोड़े घर के भी कामकाज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये तो आमेन बोर हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि उसको चलो थोड़ी देर में बाहर लेकर जाती हूँ। इसलिए मैं और आमेन अभी थोड़ी देर बाहर टहल कर आ गए। देखो हमारी तरह और भी लोग धूप में तो वॉक कर रहे बहुत ही धूप लगी, बट कैप तो पहना था, बट कैप कैसा था पता है, नए खाद से यूं पकड़ के चलना पड़ा मुझे पूरे रास्ते में। चलो फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज तो अर्पित को नौकरी वैसे देरी वाली है, तो आज पर्दे मुझे अकेले कोई लगाने के है। वरना मैं उनसे आसानी से काम करवा लेती आज भी। कोई बात नहीं। कभी कभी खुद भी करना पड़ता है सारा काम, तो होता है ये सब, बट वो होते हैं ना तो मजा आता है काम करने का भी, बातें होती है, और वो तो गाने वाने भी लगाते हैं तो और भी अच्छा लगता है ना। वैसे यहाँ पर ज़्यादा धूल होती नहीं है ना, इसलिए पर्दे गंदे नहीं होते हैं, बट वो हम लोगों को आदत होती है ना, तो इसलिए वॉश करते रहते हैं, बट डस्ट तो होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, बट दिखे उतनी नहीं होती है, तो इसलिए वॉश भी तो करना जरूरी है। ये आ गया आमिर, ये हाँ तो कर रहा है तू, कोको मेलन जो जा वो आओ तू काम पता है। हो गया जर्पित को खाने का मन हुआ है खिचड़ी, तो मैंने अभी इंस्टेंट कुकर में रख दी है खिचड़ी, और ये बन भी गई है। और अभी बनेगी रोटी है ना, ये तो रोज का काम है रोटी का, तो खिचड़ी कभी कभी बनती है। तो इसी के ही साथ मैं करने जा रही हूँ आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।